रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूटी डिलाइट जो कि मिक्स फ्रूट के साथ है और मैंगो ऑप्शनल है। वैसे तो मैंगो सीज़न में बहुत ही मज़े का बनता है मैंगो डिलाइट, तो बस मेरे बच्चों को फ्रूट्स में अंगूर और बनाना बहुत पसंद है तो मैं उनको भी ऐड कर दूँगी। स्पेशली मैं ये डिज़र्ट बनाती हूँ सिंपल फ्रूट से और बहुत मज़े का बनता है विदाउट मैंगो भी। मैंगो का सीज़न हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल आपने करना है क्या, सीज़न के फ्रूट लेने, और सीज़न के फ्रूट्स अगर ना भी हैं तो आप कॉकटेल ले लें, ठीक है। सीज़न के फ्रूट्स ये होता है कि मज़ा ज़रा बहुत मज़े का, मतलब के मीन्स के सीज़न के फ्रूट्स का मज़ा तो सीज़न में उनके सीज़न में खाने का ही होता है। तो यहाँ मैंने ले लिए थे केले और अंगूर और इसमें मैं ऐड करती हूँ जब मुझे किसी दावत के लिए बनाना होता है तो मैं नट्स ऐड कर देती हूँ। तो जनाब ये बन रहा था बच्चों के लिए स्पेशली, काफ़ी दिनों से फरमाइश की हुई थी और मैंने बीच में भी मैंने बनाया था मैंगो डिलाइट तो मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चलें आज रेसिपी को भी शेयर कर देते हैं आपसे। वैसे तो मैं क्रीम और कंडेंस मिल्क को ना अच्छे से ब्लेंड करके मैंने इसमें फ़िलहाल ऐसे ही ऐड कर दी है और बहुत जल्दी बन जाता है ये मीठा। ओनली 5 मिनट में सिर्फ आपको जेली बनाने की ज़रूरत पड़ती है और वो भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको महसूस होती है जेली की ज़रूरत तो डालिए, बच्चे तो माशाल्लाह खाते ही जेली के बिना तो उनका हर डिज़र्ट अधूरा होता है। तो यहाँ मैंने करना क्या है, सिंपल आपको केक पसंद है, बिस्किट पसंद है, मारी बिस्किट और कैंडी बिस्किट से ये मीठा बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं आज इस मीठे के अंदर जो है ना मैंगो डिलाइट का भी टेस्ट करने वाली हूँ, मतलब कि इसमें जो हम मैंगो प्यूरी के साथ व्हिपिंग क्रीम में ऐड करके वो भी ऐड करेंगे। तो सिंपल आपने करना है क्या, इस तरह से फ्रूट को अच्छे से ना, व्हिपिंग क्रीम नहीं भी है कोई बात नहीं, कंडेंस मिल्क ले लें, सादी क्रीम ले लें, उसमें आपने सारे कॉकटेल वाले फ्रूट्स ऐड किए, अगर आपके पास सीज़न के फ्रूट्स हैं वो ऐड किए, नट्स ऐड किए, बस सिंपली आपने ये सब चीज़ें ऐड की, साथ में आपने लेयरिंग लगाई अच्छे से केक की। केक पसंद है बच्चों को, तो मेरे बच्चों को केक पसंद है इसलिए मैं केक से बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप मारी बिस्किट ले सकते हैं और जो कैंडी बिस्किट है वो बड़े मज़े का लगता है इसमें, जो मैंगो हमारा डिज़र्ट होता है। तो खैर इस तरह से आपने मैंगो बिस्किट की लेयर लगाई और ये जो आमेज़ा मैंने तैयार करके रखा हुआ है ये आपने डाल दिया, ऊपर आपने जेली की लेयरिंग लगाई। जेली की लेयर आप कैसे लगाएंगे, पहले आपने इस आमेज़े को डिज़र्ट को ठंडा करना है, फिर आपने इसमें जेली को थोड़ा पतला बना के ना उस पर ठंडा ठंडा उस पर डालेंगी तो जेली ऑटोमेटिकली जम जाएगी और कोई फ्रूट्स भी आपका काला नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी आपसे अपनी नाइट रूटीन कि मैं किस तरह से जो है अपनी स्किन केयर करती हूँ सिंपल अंदाज में बिल्कुल, और साथ साथ शेयर करूंगी कि मैं हाफ डन काम अगर मीठा मुझे बनाना हो तो रात को ही स्पेशल मैं बना के रखती हूँ मीठा स्पेशली, क्योंकि मीठा जो होता है वो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मीठे में जो गर्म सर्व की जाती हैं, बाकी ये कि डिज़र्ट वगैरह जो होते हैं वो मीठे ही अच्छे लगते हैं, तो रात को ही इनको मैं डन करके रखती हूँ। और तो बस अभी भी मैं यही कर रही थी कि मैंने फ्रूट्स पड़े हुए थे फ्रिज में तो मैंने कहा कि मैं इनको डिज़र्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, सिंपल सी है कि मैंने आपसे आज के व्लॉग में मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करनी थी सिंपल, जिस तरह से बिस्किट की लेयरिंग लगती है और फिर उस पर मैंगो मूस डाल दिया जाता है व्हिपिंग क्रीम के साथ। तो खैर यहाँ पे मैंने इसके साथ बच्चों की फरमाइश पे फ्रूट भी ऐड किए हैं तो जिसकी वजह से ये फ्रूटी मैंगो डिज़र्ट्स बन गया बहुत ही मज़ेदार सा। और अब मैं जो है यहाँ पर जेली को 5 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि एकदम से खोलती हुई मैंने नहीं इस पर डाली थी ये लिक्विड फॉर्म में ही और गर्म ही थी और मैंने ये बना के जो है ना सिंपल रख दिया था फ्रिज में, केक की लेयरिंग लगा के फ्रूट्स डाल के फ्रूट्स में मैंने कंडेंस मिल्क और सिंपल वाला जो क्रीम होता है वो ऐड कर दिया था और नट्स मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले और ये बच्चों के लिए बन रहा था। बच्चे मेरे वैसे भी जो है ना थूकते हैं, बादाम पिस्ते हो गए, वो इस तरह की चीज़ें निकाल निकाल के मुँह से बाहर रखते जाते हैं। तो यकीन करिए 5 मिनट में जेली जम गई थी। इसके बाद आप इस पर मूस डालें, कस्टर्ड डालें, कस्टर्ड के लिए लेयरिंग कर सकती हैं, मूस की लेयरिंग कर सकती हैं
और फिर केक लगा सकती हैं, बिस्किट रख सकती हैं, जो भी आपके पास है। और बस मेरे पास ये सिंपल से फ्रूट्स थे, देखें कितना प्यारा मज़े का ये शाइनिंग जो है ना डिज़र्ट बन गया। आप सिंपल इस पर जो है व्हिपिंग क्रीम से, पाइपिंग बैग से जो है व्हिपिंग क्रीम से मतलब जो भी डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो बनाएं, साथ में ड्राई नट्स डालें, वॉलनट्स हैं तो वो डाल दें, और या तो इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत मज़े का लगता है सिंपल सा मीठा फ्रूट का बना हुआ ये जेली के साथ। और इसके साथ साथ मैं जो है व्हिपिंग क्रीम मैंने एक साइड ठंडी होने रख दी थी फ्रिज में निकाल कर, और मैंगो का जो ये पल्प था इसको मैंने अच्छे से इसमें ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को जो है इस फ्रूट का जो मैंने मीठा बनाया है केक के साथ इस पर ऐड कर दूंगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट में यकीन करें ये बन जाता है। अगर कोई मेहमान आपके घर में एनी टाइम भी आ रहा है तो आप मेहमानों से बातें भी करती रहें, गुफ्तगू भी करती रहें और साथ साथ अपना काम भी करती रहें, क्योंकि ठंड सारा काम तो इसका ठंडे होने का ही है। और ये थोड़ा बच गया था, इसको मैं अलहदा से एक वो है कंटेनर उसमें मैं रख दूँगी, और बहुत मज़े का ये बनता है। और सिंपल इसके साथ मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने ना इसकी डिज़ाइनिंग के टाइम पर ना इर्तिजाली उड़ गए थे, और वो मेरी गोद में भी था और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो बस दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने करनी थी इसकी गार्निशिंग कैंडी बिस्किट के साथ, सिंपल रखना था मैंने इसकी गार्निशिंग को, जिस तरह से हो गई है ना बस ऐसी रख के इस पे मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स डालने थे। और अगर आप चाहती हैं तो मैंगो के साथ पिस्ते का फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है जो डिज़र्ट है ना ये, और ये आप जेली के क्यूब बना लें उस पे आप पिस्ता डाल दें। गार्निशिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कैंडी की जो है कैंडी बिस्किट को पाउडर फॉर्म में करके चारों साइड कैंडी बिस्किट डालना था मैंने, पर वो बस बिल्कुल दिमाग से निकल गया और इर्तिज़ा अली जो है रोते हुए कमरे से आ गए, तो वो मेरी गोद में भी थे और साथ साथ मेरा ये एंडिंग का काम भी चल रहा था, मैं इसको रोक भी नहीं सकती थी, तो बस मैंने इसको फटाफट डन किया। और लास्ट में मैंने सारा ही मैंगो इस पर स्प्रेड कर दिया, मीन्स के सारे ही मैंगो इस पर डाल दिया, और बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो इस पर कैंडी से लेयरिंग करनी थी, डिज़ाइनिंग करनी थी, मीनाकारियाँ करनी थी, तो वो मेरी रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं बनाऊँगी कभी आगे तो मैं ज़रूर आपसे इसकी गार्निशिंग भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी डिफरेंस ही होती है, चेरी से कर सकते हैं आप, व्हिपिंग क्रीम से कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में उसको भरा आपने, उस पर चेरी रख दिया, चाहे उसकी चारों साइड जो पिस्ते की लेयरिंग कर दी। तो खैर ये मेरा सिंपल सा आज का मीठा था जो मैंने आपसे शेयर किया। और तो बस 2 दिन ऐसा कुछ खास था नहीं रूटीन के हवाले से जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो कुछ काम थे, कुछ कवर्स वगैरह मुझे सेट करने थे, धुले हुए कपड़े थे वो रखने थे, और मैट भी 2 दिन की छुट्टियों पे थी तो फिर लाजमी बात है, तो फिर बस कुछ इस तरह के काम थे, बच्चों के बैग्स वगैरह थे क्योंकि जो इनकी टीचर हैं वो भी छुट्टियों पे थी 15 डेज़ के लिए, वो भी कल आ जाएंगी, तो उनकी भी सेटिंग्स एक बनानी थी बच्चों की। तो बस कुछ ऐसा खास रहा नहीं, मुझे नहीं लगा कि मुझे व्लॉग में दिखाना चाहिए, तो बस फिर मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। तो मैं मीठा बना रही थी रात को, तो ये रात की रूटीन आपसे शेयर कर रही थी कि मीठा वगैरह अक्सर मैं रात को बनाती हूँ, साथ साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन। और ये मैं दिखाई थी मेरा ये जग टूट चुका है जिसकी वजह से मैं छोटे वाले जार में ही जो है पेस्ट वगैरह बना रही हूँ, जो ब्लेंडर है उसमें कर रही हूँ, तो ये मेरा नया जग था जो टूट गया, अभी मैं मीठी ईद पर ही लाई थी, और एक इससे पहले जो है मेरी मैड ने तोड़ा था, वो कांच वाला था, अच्छा था, वो वेस्ट पॉइंट वालों का पूरा सेट था, वो उसने तोड़ दिया। तो यूँ कह लें कि स्पेशली मैंगो जूस की वजह से मैं लेकर आई थी चांद रात को, मीठी ईद वाली जो चांद रात थी, कि मैंगो भाई मैंगो तो ऐसे है, मैंगो पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मैं, मैंगो का जूस डेली दिन में 2 से 3 दफ़ा बनाकर पीती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ चने बॉयल करने भिगा के रख दिए थे क्योंकि मुझे मॉर्निंग में चनों का ही कुछ बनाना था, और साथ ये 2 पीस पड़े हुए थे लेग पीस तिक्के के, इनको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था दही के साथ मसालों के साथ। और यहाँ मैं आपसे शेयर कर लूँगी अपनी स्किन केयर नाइट रूटीन, और इसके लिए सिंपल सा मैं वैसलीन ले लेती हूँ, एलोवेरा जेल ले लेती हूँ, और सर्दियों में स्पेशली आप इस वैसलीन में ना बेटनावेट जो क्रीम होती है वो ऐड कर लें वाइटनिंग के लिए। और अभी गर्मी खासी ज़्यादा है, एसी वगैरह ऑन हुए हुए होते हैं, तो बस फिर भी ये चिपचिपापन लगा के मैं सोच मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, समटाइम लगाती हूँ समटाइम नहीं भी लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, सिंपल सी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना एलोवेरा जेल से ना इस वैसलीन का, तो बच्चों के ही प्रोडक्ट मैं भी यूज़ कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। या तो आप वैसलीन जो बड़ों की जो वैसलीन होती है वो यूज़ कर सकती हैं, सिंपल आपने 2 ड्रॉप लेने हैं एलोवेरा के, थोड़ी सी आपने वैसलीन लेनी है, रात को अपने फेस पे अप्लाई करना है, अच्छे से क्लिनजिंग करना है फेस, फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपने सो जाना है, सुबह अपने मुंह अच्छे से वॉश कर लेना है, और रोज़ वाटर और बेबी ऑयल जॉनसन ऑयल जो है वो अपने मुंह पे कॉटन की मदद से लगा लेना है या स्प्रे कर लेना है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग,
और यहाँ सुबह हो चुकी है और यहाँ ये मैं दिखा रही थी जो मैंने ड्रास से ऑर्डर किया था एनएक्स का 3000 का और ये ब्लैक वाला जो था 6000 का था। खैर मैं जग जो है ना चेंज कर चुकी हूँ इसके, तो ये इस तरह से काम आ गई। तो मैंने कितनी सारी जूसर मशीनें ले चुकी हूँ इस चक्कर में, जूस के चक्कर में। और एक और थी वेस्ट पॉइंट की, वो अच्छी वाली जो पूरा सेट होता है ना जूसर के साथ, जिसमें मिक्सर ब्लाइंडर जूसर चॉपर सब होता है, उसका जग मेरी मैड ने तोड़ दिया था कांच का। फिर बोलने लगी बाजी मुझसे ही हो गया, तो मैं क्या करूँ। खैर उससे भी होता मुझसे भी होता नुकसान। तो यहाँ बन रहे थे आलू के पराठे, चनों का मैं बनाने वाली थी पुलाव, और बनेंगे शाम में इसकी भेलपूरी के स्नैक्स, साथ में तले जाएंगे जनाब टिक्के पराठों के साथ। तो बस सिंपल सा मेरा आज का नाश्ता था और वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। साथ रखिएगा बस मुझे अपनी दुआ में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी डिश और लाइक कीजिएगा। तो बस जी, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।